आस्था की नगरी भोरमदेव में आज सावन सोमवार के पहले दिन श्रद्धालुओं और कवाड़ियों की आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। आज सावन मास का पहला सोमवार है। छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से मशहूर भोरमदेव मंदिर में भी सुबह 5 बजे भगवान भोलेनाथ की भस्म आरती की गई। देश समेत प्रदेश भर में भगवान शिव की उपासना की जा रही है और आज सुबह से भोरमदेव पदयात्रा की भी शुरुआत हो गई है। कवर्धा शहर के पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर से भोरमदेव तक पद यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर के तमाम अधिकारी कर्मचारी नेता तथा जिलेवासियों भोरमदेव पदयात्रा में शामिल हुए। पदयात्रा मार्ग में प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर शीतल पेयजल और नाश्ता की व्यवस्था रखी गई थी, जहाँ भोरमदेव मंदिर पहुँच कर भक्त जल अभिषेक किए। पदयात्रा में जिला कलेक्टर, एसपी, एसडीएम और जिला प्रतिनिधि मौजूद रहे। सावन सोमवार को लेकर शिव भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं कवर्धा शहर में शहर वासियों की आस्था उत्कृष्ट रही। मंदिरों में सुबह से भक्त पहुंच रहे हैं। शहर के बूढ़ा महादेव तथा शिव मंदिर कलेक्टर कॉलोनी में भी श्रद्धालुओं के ओम नमः शिवाय का जय घोष हो रहा है। वहीं भोरमदेव के गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है। इस बार पड़ने वाले 8 सावन सोमवार में से यह पहला सावन सोमवार है और पहले सावन सोमवार के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां के प्रति आस्था को बतला रही है। देखिए कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ मेघा यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, अभी हम उपस्थित है कबीरधाम जिले के प्रसिद्ध मंदिर बूढ़ा महादेव में। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। पंडित जी, सावन क्यों मनाए जाते हैं और सावन की कुछ विशेषताएं बताएं। विशेष करके श्रावण जो है भगवान शिव का प्रिय मास बतलाया गया है। वैसे तो हिंदी मतानुसार और पंचांग के अनुसार 12 मास बतलाए गए हैं। 12वें मास में भगवान शिव का मास श्रावण मास है। विशेष करके इन मास में भगवान शिव का वास होता है, जिनमें रुद्राभिषेक एवं अन्य क्रियाएं की जाती हैं। यहाँ पर जो है विशेष करके यह कलेक्टर कॉलोनी स्थित शिव मंदिर जो है, यह मंदिर मध्य में स्थित और सभी का आस्थाओं का केंद्र है। यहाँ विगत 25 वर्षों से जो है यहाँ माताएं और बहनें जो है रामायण की क्रिया भी करती हैं, जो ये मनोरम दृश्य जो है प्रत्येक सोमवार और शनिवार और श्रावण मास में प्रत्येक दिवस में किया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं कबीरधाम जिले के श्री नर्मदेश्वर श्री शिव मंदिर। अब सावन के इस शुभ अवसर पर आप कवर्धावासियों को क्या बताना चाहेंगे सावन के बारे में? सावन के बारे में मैं ही कहूँगा कि भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और बहुत आज ही सुंदर एक एल्बम निकला है कांवर सजा के गंगा जल भर के, भोलेनाथ जी का हिंदी भजन, वो एक बार ज़रूर सुने और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। उस गाने में भगवान शिव का रोल कर रहे हैं भाई देव साहू जी और पूरे टीम हैं, रायपुर से आए हैं, बिलासपुर से हैं, पूरे ग्रुप हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सावन महीना में। हाँ, धन्यवाद।